हेलो बच्चों, आज मैं आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको देखना है कि उनको कैसे पेपर में हल करना है। एक दो क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और पेपर में कैसे हल करना है मैं वो भी बताऊंगा। आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आप देख रहे होगे जो पहला क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर है, दो के। तो हमें एक्स का स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वेयर ज्ञात करना है, का पता लगाना है। देखिए, आज मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, वो सारे वैल्यू पुटिंग मेथड से करवा रहा हूँ। आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम वैल्यू रख के उन क्वेश्चनों को एक मिनट में ही, एक सेकेंड में ही हल कर सकते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो क्या मैं एक बार आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे x की वैल्यू अगर एक मान लें, x को हम किसके इक्वल मान लें, एक मान लें, तो हम 1 प्लस 1 बाई 1 लिखें तो क्या होता है, 1 बाई 1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो हमारा 2 आ रहा है ना। तो x की वैल्यू एक लेने से हमें क्या निकालना है, x का स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर प्लस 1 बाई 1 का स्क्वेयर, तो ये कितना होता है, 1 जमा 1, कितना आंसर आया, 2। हमारा आंसर कितना आया, 2। ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। आप इतने में आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें आप वैल्यू को पुट करके, एक्स की वैल्यू को अपने पास से पुट करके और अपना आंसर निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। एक बार इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूं। मैंने आपको बताया कि जीतेगा वही खिलाड़ी जिसको ये पता है किस बॉल पे सिक्स लगाना है, किस पे डिफेंस करना है। मैं अब जो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको पक्का काम आएंगी पेपर में, उनका सोल्यूशन आपको पेपर बिल्कुल आसानी से हल करने में बहुत मदद करेगा आपको। तो मैं इसी चीज़ का एक सोल्यूशन आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन का। देखो, अगर मैं x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू लिखूँ तो इसका एलसीएम कितना आया, x, एक्स स्क्वेयर प्लस वन किसके बराबर है, दो के बराबर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, दो एक्स के बराबर। मैं सारा इधर ले आऊँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वन और ये इधर आके माइनस टू एक्स किसके बराबर हो गया, जीरो के। आप जब बार बार अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा ये एक्स माइनस वन का स्क्वेयर है, ये जो पूरा है ये किसका स्क्वेयर है, एक्स माइनस का स्क्वेयर, और किसके बराबर, जीरो के। जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, जब हम इसके दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो खत्म हो जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आई, एक आई। x की वैल्यू कितनी आई, एक, जो हमने डायरेक्ट ही मान ली थी। मैंने दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए इसी वजह से यहाँ पे किया था पहले कि पेपर में आपको इसको ऐसे हल करना है, पेपर में इसको कैसे हल करना है, ऐसे हल करना है। ये आपको मैंने क्यों बताया, देखिए ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको ये क्यों बताया, आपको ना ये चीज़ है जो मैंने अभी ये देखो इस पे मार्क कर दिया। अब जब आगे क्वेश्चन आएगा ना, आगे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने जहाँ पे मार्क किया था उसको याद करो। आप ऐसा करो कि अभी इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो, जो ये रिजल्ट है इसको अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो। आगे का जो एक जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो ये जो लाइन है ये यहीं से आई है, इसका मतलब x प्लस वन बाई एक्स किसके बराबर है, दो के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये कॉपी के अपने ऊपर लिख लिया होगा। तो मैंने बताया ना, एक बार वो बता दूं मैं आपको कि x प्लस वन बाई एक्स दो के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक आएगी, और उसका फिर वो हमें कुछ भी पूछे तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक का स्क्वेयर एक ही होता है, और एक के बटे में हम कुछ भी लिखें, एक का एक के नीचे हम लिखें एक, तो उसका मतलब एक ही होता है, तो कितना आया, दो आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स। तो आपको पता होगा x हमें क्या रखना है, एक रखना है, और पूछा क्या है, x की पावर 12 है माइनस वन बाई एक्स की पावर 12, एक की पावर 12 करेंगे, ठीक है, माइनस वन और फिर नीचे एक है उसकी पावर 12 करेंगे हम, तो एक की पावर हम कितनी भी करें एक ही होता है, माइनस एक बटा एक की पावर कितनी करें, एक ही होता है, और एक बटा एक का मतलब यानी एक, तो एक माइनस एक कितना आया, जीरो, आंसर कितना आया, जीरो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना,
दो एक्स बराबर नहीं है जीरो की, ठीक है जीरो के बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, हमें तो एक ही लेना ना, एक की बराबरी ही है वो तो हम ले ही सकते हैं। तो एक्स कितना रखा हमने, एक। पूछा क्या है, एक की पावर कितनी, दो, एक की पावर दो जमा एक बटे एक्स, एक्स कितना है एक, एक की पावर कितनी तीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जमा एक बटा एक कितना हुआ, एक ही होता है, एक जमा एक हमारा दो। देखिए बच्चों ये इतना भी इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वो समझ में आए, कुछ नहीं आप देखते बता सकते हो, एक और एक दो आंसर हो गया हमारा दो, बस इतना ही होता है। लेकिन आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप एक बार उसको ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो और समझ पाओ अच्छे से। अगला क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स कितना, दो, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स निकालना है, x की वैल्यू कितनी है एक के बराबर ही है, मैं यहीं पे कर दूँ आपके लिए, रूट एक्स एक रूट अंडर द रूट, एक का स्क्वायर भी एक होता है, एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, तो एक का वर्गमूल एक और उसका एक, एक जमा कितना आंसर आया दो, आंसर कितना हुआ दो, बस इतना सा है। x प्लस वन बाई एक्स कितना, माइनस का दो, अब की बार वो माइनस दो दे रहा है हमें, अब कितना दे रहा है माइनस दो, तो हमें क्या लेना है, अब की बार हम x को माइनस का वन रख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए एक बार अगर हम माइनस वन रखेंगे प्लस वन बाई माइनस वन रखेंगे ये वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का वन माइनस वन कितना आ गया माइनस दो के बराबर। अगर x की वैल्यू माइनस वन रखने से दो माइनस दो के बराबर आ रहा है तो हम x का मान माइनस एक रख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या है x की पावर कितनी, सात, तो माइनस एक की पावर कितनी सात जमा एक बटा x की पावर कितनी सात माइनस वन की पावर कितनी सात, यहाँ से माइनस वन आएगा क्योंकि पावर कितनी है ओड है विषम है, माइनस का निशान हो जाएगा, माइनस वन कितना आ गया माइनस टू, माइनस टू हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स बराबर माइनस दो, तो आपको पता चल गया होगा कि x की वैल्यू कितनी होगी माइनस एक, और हमें पूछा है x की पावर p जमा x की पावर q, p एक सम संख्या है यानी p एक इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे माइनस वन की पावर कोई भी इवन नंबर ले लेंगे ना, हमने चार ले लिया प्लस माइनस वन तो x की जगह आएगा ही, और q को कोई भी ओड नंबर यानी विषम लेना है तो हमने पाँच ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। ये क्यों लिया, इसने क्यों बोला, क्योंकि माइनस वन की पावर अगर कभी भी देखो माइनस कोई भी यहाँ पे कुछ भी है माइनस पाँच चार उसकी पावर अगर इवन है तो हमारा आंसर है वो इवन, वो हमारा प्लस में आएगा पॉजिटिव आएगा, अगर माइनस की पावर ओड होती है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस वन की पावर इवन है यानी सम है तो आंसर वन, और यहाँ पे माइनस वन की पावर ओड है यानी विषम है तो माइनस वन, वन माइनस वन कितना हुआ जीरो, आंसर कितना जीरो, ठीक है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, घर पे बताना है हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब इज इक्वल टू टू, तो ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए स्क्वेयर कितना होगा, देखिए ए का मान मैं फिर से एक ले लेता हूँ, इसकी कितनी भी क्यूब कर लो चाहे कुछ भी कर लो वो एक ही होना है, तो यहाँ पे ए का मान कितना हुआ हमारा एक आ गया ना, तो ए का स्क्वेयर यानी एक का स्क्वेयर एक जमा एक बट ए का मान कितना एक ही है, तो दो बटा एक कितना होता है दो, ये हमारा आंसर हो गया दो, क्वेश्चन खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वन बाई एक्स कितना दो, तो x का मान कितना एक, मैं बार बार लिख रहा हूँ वरना लिखने की जरूरत नहीं है, x का मान एक, एक की पावर सो करोगे एक ही आएगा बट एक की पावर करोगे एक ही आएगा, आंसर कितना आ गया दो, बस खत्म। ऐसे ही आपको करना है जब आप बार बार अभ्यास कर लोगे। देखिए क्वेश्चन, a प्लस वन बाई ए, ए प्लस वन बाई ए प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मैंने आपको कई बार बताया है कि लैंग्वेज का खेल है सारा, वो घुमा फिरा के कुछ भी दे ले आपको, लेकिन जब आप बार बार अभ्यास बार बार मेहनत कर लोगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, a प्लस वन बाई ए और हम दो को उस तरफ ले गए ये माइनस दो के बराबर है, यानी यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है माइनस वन, और हम कई बार देख चुके हैं कि x की वैल्यू माइनस वन, उसी तरह यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है माइनस वन, अब माइनस वन की पावर सैंतीस है यानी माइनस वन की पावर ओड है विषम है,
तो माइनस वन ही आएगा, जब माइनस की पावर और विषम होती है तो माइनस ही आता है, माइनस वन अपॉन ए की पावर 100, ए कितना है माइनस वन, और उसकी पावर अगर इवन है तो हमारा पॉजिटिव आएगा यहाँ से माइनस वन, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, माइनस वन कितना हो गया माइनस का 2, ये हमारा आंसर, ठीक है, माइनस का 2 हमारा ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना 2, और x किसके बराबर नहीं है 0 के, ठीक है कोई बात नहीं, हमें पता है x 0 के बराबर नहीं है भाई, x किसके बराबर है हमारा 1 के बराबर, उसने पूछा क्या है 1 की पावर 2 यानी कितना 1 जमा 1 बटा 1 की पावर कितना 3, तो 1 ही आएगा आंसर, कितना हो गया 2, बस खत्म। अगला क्वेश्चन ये आप कर चुके हैं, आपको एक बार फिर से देखना है, x प्लस वन बाई एक्स कितना है 2 है, तो इसका x की वैल्यू कितनी होगी 1, रूट 1 ही बार आएगा, 1 जमा 1 कितना हो गया 2, बस ऐसे करने हैं क्वेश्चन आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वन बाई एक्स कितना माइनस 2 है, x की पावर 7 जमा 1 एक बटा 7 माइनस 1 हो जाएगा, अब मैंने बताया ना कि x की वैल्यू अगर माइनस 2 है तो माइनस 1 लेनी है, माइनस 1 की पावर 7 है तो माइनस 1 आएगा, और माइनस वन की पावर अगर फिर से 7 है तो फिर से माइनस 1 आएगा, कितना हो गया माइनस 2, हमारा आंसर कितना हो गया माइनस 2। देखिए वो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो सीजीएल में आए हुए हैं टायर 1, मैंने अपने पास से नहीं बनाए, इतने आसान मैंने ये नहीं बनाए कि भाई मैं आपके लिए केवल आसान लेके आया हूँ, ये हैं ही इतने आसान, ये आए हुए हैं पेपर में 3/9/2016 तृतीय पाली आप देख रहे हैं, टायर 1/2016 में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2013 में आया हुआ है, x प्लस वन बाई एक्स कितना 2, x की वैल्यू कितनी 1, अब यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1 कितना बना 2, और ये गुना में है 1 जमा 1 कितना बना 2, 2 दूनी कितना 4, आंसर कितना आया 4। देखो रटना नहीं है कि x प्लस वन बाई एक्स 2 आ गया तो कुछ भी पूछे 2 ही आएगा, नहीं यहाँ पे आंसर बदल रहे हैं, कभी 4 आ रहा है कभी 0 आ रहा है ना, तो रटना नहीं है, हाँ ये देखना कि x की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे माइनस 2 है तो x की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, ठीक है देखते रहिए आप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी 1, अब 1 है तो x माइनस वन बाई एक्स पूछा है उसने, तो 1 माइनस 1 बटा 1 कितना हुआ 1 ही हुआ, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और हमारा आंसर कितना आया 0। मैंने अभी बताया था कि रटना नहीं है कि वो 2 के बराबर तो 2 ही आएगा, नहीं आंसर कुछ भी आ सकता है, कितना आ गया हमारा 0। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लैंग्वेज ही चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं है, x प्लस वन बाई एक्स कितना 2, तो 2x स्क्वायर जमा 2 बटे 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3 पूछा है उसने, मैंने आपको बताया ना कि रटना नहीं है कि x प्लस वन बाई एक्स 2 आया है तो आंसर 2 ही होगा, नहीं अभी देखिए तो x का मान कितना 1, अभी उसमें x की जगह 1 रखना है तो 1 की पावर 2 करोगे तो 1 ही आएगा, 2 रहेगा यहाँ पे जमा 2, नीचे कितना 3 गुना एक्स स्क्वायर तो 3 ही रह जाएगा, जमा 5 एक्स यानी 5 ही रह गया, और जमा 3 एक्स की वैल्यू तो रखी ना हमने पूरे क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू तो रखी है, कितनी है वो 1 है रख दी हमने, 2 और 2 4, नीचे 5 और 8 3 11, 4 बटे 11 जो हमारा आंसर कौन सा हो गया ए, बस इतना सा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 किसके बराबर है 0 के, तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x किसके बराबर 0 के, ये मैंने आपको ये करके दिखाया था कि आप इसको रखिए अपनी कॉपी में, आगे ये काम आएगा। आप ये देख रहे हैं ना इसने क्या किया हुआ इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर ये माइनस 2x आगे उठा लाया और प्लस 1 यहाँ पे रख लिया इसने पीछे, और किसके बराबर रखा 0 के। मैंने ये आपको ये बताया था कि अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए कहीं ना कहीं काम आएगा, और वो क्वेश्चन हमारा आ गया, मैंने इसीलिए आपको डायरेक्ट करवाया था ये वहाँ पे,
तो अभी आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस वन, ये किसका एक्स, ये किसका एक्स माइनस वन का स्क्वायर है और वो किसके बराबर है जीरो के। तो एक्स माइनस वन किसके बराबर है जीरो के। एक्स का मान कितना आया एक, एक्स का मान कितना आया यहाँ से एक, हमने करके दिखाया था वहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था कि इसको देखना। तो एक्स का मान अगर एक है तो एक की पावर कितनी चार, तो एक ही होगा। एक प्लस वन बाई एक्स के फोर है तो एक की पावर चार हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं, वो एक ही आएगा। कितना आंसर आया दो, तुम्हारा आंसर कितना हो गया दो। ठीक है, जो मैं बताऊं आप ध्यान रखा करो, मैं यहाँ पे आपको जो आपके काम की चीज़ें नहीं हैं वो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आपके लिए जो काम की चीज़ें हैं वो ही बताऊंगा मैं। इसलिए मैंने बताया था कि आप इस चीज़ को ध्यान रखना, आपका ये कहीं ना कहीं काम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही आ गया, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर जमा वन किसके बराबर है दो एक्स के बराबर, तो इसको हम अभी तो पता चल गया ना, लेकिन एक बार लिख रहे हैं भाई माइनस। तो हमारा संदेह, हमारी शंका, हमारा डाउट, वो हमारा डर कुछ भी हो मन में, वो दूर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आई एक आई, है ना, एक्स की वैल्यू एक आई। तो अभी एक की पावर चार यानी एक जमा एक बटा एक की पावर दो यानी एक ही बटे एक की पावर दो यानी एक माइनस तीन एक्स यानी तीन जमा एक यानी जमा एक दो बटा ये दो तीन में से दो गया माइनस एक माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आंसर कितना आया दो। हमारा आंसर कितना आया माइनस का दो, आंसर कितना हो गया फोर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस वन किसके बराबर जीरो के। तो मैंने बताया ना कि किसका, देखो आप एक बार लिख के दिखा दूं मैं, एक्स माइनस वन का आप स्क्वायर कीजिए, एक्स का स्क्वायर जमा एक का स्क्वायर यानी एक माइनस दो ए बी यानी कितना दो एक्स। तो इसने ना इसको आगे लिख दिया बस, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस वन ऐसे लिखा है, किसके बराबर करा है जीरो के बराबर करा है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो x माइनस वन है उसका स्क्वायर भी किसके बराबर है जीरो के। तो x का हमारा कितने के बराबर आ गया x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना एक। मैंने बार बार आपको देखते ही बताया है कि x की वैल्यू कितनी आई एक। अब एक की पावर चार जमा एक की पावर चार कितना हो गया एक जमा एक कितना दो, हमारा आंसर कितना आया दो। क्वेश्चन 4/9/2016 को सीजीएल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको 15-16 क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं आप कमेंट करके मुझे बताएं और मेरे साथ बने रहें, मैं ऐसे ही आपके लिए एक और पार्ट अलजेब्रा का लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।